गोरखपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह आंकड़े अब 100 के नीचे आते जा रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर 73 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 3 मरीजों की मौत हुई है। इससे पूर्व 19 अक्टूबर को 67 मरीज ही मिले थे। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 18,465 पहुंच गया है। इनमें से 16,925 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 304 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,236 रह गई है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने काफी हद तक राहत की सांस ली है। संक्रमितों की बात करें तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 कर्मी, रेलवे अस्पताल का 1 कर्मी शामिल है। इसके अलावा सिविल लाइन में 1 ही परिवार के 2 लोग, राप्ती नगर में 1 ही परिवार के 2 लोग, दुधरा में 1 ही परिवार के 2 लोग, मोहतीपुर में 1 ही परिवार के 2 संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जांच की गति बढ़ा दी गई है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं या बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच लगातार की जा रही है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो महज 29 नए मरीज मिले हैं। इसमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 9, गोरखनाथ में 4, कोतवाली में 2, राजघाट, रामगढ़ताल और तिवारीपुर में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जंगल कौड़िया, पिपराइज, खजनी, गघा में 1-1, कैंपियरगंज, सहजनवा में 2-2, कौड़ी राम, चरगावा, गोला, पिपरौली में 3-3, उर्वा में 6 और खोराबार में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 8 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। आपको बता दें, संक्रमण के बीच मौत की संख्या कुछ कम हुई है। वहीं शुक्रवार को बीआरडी में पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। शहर के रहने वाली एक महिला की मौत लखनऊ के एक निजी अस्पताल में हुई है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। जबकि बीआरडी में सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के सिकरी बाजार के रहने वाली 65 साल की महिला की मौत शुक्रवार की सुबह हुई है। वहीं देवरिया के घटियाला चेती निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत शुक्रवार की दोपहर में हुई है। जब इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।